बांग्लादेश से जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट शेख हसीना के घर पर घुस गए, कोई बेड पर लेटा दिखाई दिया तो किसी ने सामान ही उठा लिया। दरअसल आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा इतनी भड़क गई कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्हें 5 अगस्त की शाम को गाजियाबाद में मौजूद हिंडन एयरबेस पर स्पॉट किया गया था। उनके बेटे शाहजेब वाजिद जॉय, जो कि राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पीएम ने राजनीति को अलविदा करने का भी मन बना लिया है। इस बीच अल्पेश यादव ने भी इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हुए एक जरूरी ट्वीट किया है। दरअसल जून महीने में बांग्लादेश की एक कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले के बाद वहां के छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से कोर्ट को अपने फैसले में बदलाव भी करना पड़ा। लेकिन हिंसा रुकी नहीं, सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 4 अगस्त को मामला इतना बढ़ गया कि वहां की कंडीशन बद से बदतर हो गई और प्रधानमंत्री को फौरन इस्तीफा देना पड़ा। देश छोड़कर वो रात भर भारत में रुकी और अब कयास लगाया जा रहा है कि वो बहन के साथ लंदन रवाना हो सकती हैं। वहीं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर यूट्यूबर अल्पेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अल्पेश के इस पोस्ट के बाद उनके दोस्तों और चाहने वालों का भरपूर सपोर्ट मिला। कुछ ने उन्हें हीरो भी कहा, वहीं कुछ ने उनके पुराने वीडियोज भी शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। वहीं एक और यूजर ने लिखा, थैंक यू अल्पेश यादव फॉर रेजिंग दिस इशू, इट इज मच नीडेड। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ही ऑलवेज स्टैंड फॉर आवर पीपल। वहीं एक और यूजर ने लिखा, नो वन कैन मैच विद योर ऑरा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ब्रो इज ऑलवेज देयर फॉर बांग्लादेशी हिंदूज। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बांग्लादेश के 1 करोड़ हिंदू खतरे में है, उन्हें भारत सरकार शरण दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।